स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। आज हम देखने जा रहे हैं एक चाइनीज मूवी, और ये मूवी को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये मूवी मैंने बहुत साल पहले देखी थी जब मैं शायद छोटा हुआ करता था। ये कहानी एक छोटे से लड़के की जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब होता है, और मैं ये भी मानता हूँ कि आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने शायद ये मूवी देख रखी होगी, क्योंकि ये शायद पहले टीवी पर आया करती थी। इस कहानी का जो हमारा मेन लड़का है, जो कि कैरेक्टर है, उस लड़के का नाम डिकी है और ये काफ़ी गरीब है, और इसके फादर ने इसका एडमिशन एक हांगकांग के बहुत ही ज़्यादा बड़े स्कूल में करवा दिया है, जहाँ पर बस अमीर बच्चे पढ़ते हैं। डिकी स्कूल जाता है और क्लास टीचर से डांट खाता है क्योंकि ये साफ नहीं दिखता है। वहीं पर एक मैम आती है और इसको आकर इसकी गंदगी का रीज़न पूछती है। डिकी बताता है कि मेरी मॉम अब नहीं रही और मेरे डैड मजदूर है, इसलिए वो सारे दिन बिजी रहते हैं। क्लास में डिकी का टीचर डिकी के छुए हुए सामान को भी टच नहीं करता है, जैसे वो उससे घिन कर रहा हो। वहीं लंच ब्रेक में हम एक अमीर लड़के को देखते हैं, इसका नाम जॉनी है और ये अपना न्यू टॉय दिखा रहा है सबको। डिकी आकर उसको टच करता है तो ये लोग उसको मारने लग जाते हैं, और यहीं पर जॉनी फिर एक बड़ी सी लड़की को मॉन्स्टर कहकर भी चिढ़ाता है। डिकी आकर उस लड़की को भगाता है, और जब ये लड़की वहां से भागती है तो धरती हिलने लग जाती है। अगले सीन से हमें पता चलता है कि ये लड़की डिकी को पसंद करती है। डिकी के पास स्पोर्ट्स शूज नहीं है, इसलिए इसको पनिशमेंट मिली है। इस बेचारे के नॉर्मल शूज तो फटे हुए हैं, अब ये स्पोर्ट्स शूज कहाँ से लेकर आएगा। वहीं हम डिकी के फादर शाउटी को भी देखते हैं, जो कि एक मजदूर है और दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। शाम को घर आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दोनों एक टूटी हुई बिल्डिंग में रहते हैं। शाउटी आज घर आते हुए एक फैन लेकर आते हैं, जिसे देखकर डिकी बहुत खुश होता है क्योंकि इनके घर में एक भी फैन नहीं था। यहाँ पर काफ़ी गर्मी भी होती है, पर इनकी किस्मत काफ़ी ख़राब होती है और वो फ़ैन ख़राब होता है, नहीं चलता है। और फिर पता चलता है हमें कि वो इसके फादर शाउटी कूड़ेदान से उठा कर लाए थे। शाउटी भले ही गरीब हो, पर वो अपने बेटे को हमेशा अच्छी बातें सिखाते हैं, जैसे चोरी नहीं करना और सबसे अच्छे तरीके से बिहेव और बातें करना। अगले दिन दोनों रोड पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, तभी न्यूज़ से पता चलता है कि लोगों को एक अजीब सी चीज़ उड़ती हुई दिखी है। और इसके बाद दोनों शॉप पर जाते हैं। डिकी वहीं टॉय लेने की जिद करता है जो जॉनी के पास था, पर इसके फादर के पास पैसे तो है नहीं, इसलिए वो साफ मना कर देते हैं। इसके जिद करने पर इसको पिटाई भी पड़ जाती है, और तभी वहाँ पर इसकी टीचर मिल जाती है और वो इनके घर पर आकर इनसे बात करने को बोलती है, पर शाउटी घर आने से मना कर देते हैं क्योंकि इनका घर कैसा है वो हम देख चुके हैं। रात को शाउटी कूड़ेदान में जाकर डिकी के लिए न्यू शूज ढूंढ रहे होते हैं, और वहीं पर हमें एक UFO को भी उड़ते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देख नहीं पाते उसको और वो उड़कर चला जाता है, और वहीं पर उसमें से एक ग्रीन कलर की बॉल गिर जाती है। शाउटी को लगता है कि ये एक बॉल है, जिसको उठाकर वो घर ले आते हैं, और यहाँ पर डिकी के लिए अब एक नया खिलौना भी आ गया है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होता है। अगले दिन स्कूल में डिकी अपने न्यू टॉय को अपनी क्रश फैनी को दिखाता है, पर फैनी इम्प्रेस नहीं होती है। वहीं जॉनी अपनी टीम लेकर आता है और डिकी अपने टॉय की खूब तारीफ कर देता है, जिससे जॉनी बहुत ही नाखुश होता है और वो एक बड़े से लड़के को बुलाता है, और फिर ये लड़का डिकी को उठाकर फेंक देता है। रात को घर में टॉय हिलने लगता है और डिकी भूत समझकर बाहर फेंक देता है उसको और चिल्लाने लगता है। शाउटी इसके चिल्लाने से परेशान होकर इसको अलमारी के अंदर बंद कर देते हैं। तभी वो बॉल एक क्यूट से एलियन में बदल जाता है, और डिकी ये देखकर काफ़ी खुश होता है और इसका नाम CJ7 रखता है। CJ खराब एप्पल को भी फ्रेश बना देता है। अगले दिन डिकी इसे डॉग फाइट भी करवाता है, जिसमें डॉग को CJ बहुत मारता है। अब CJ इसे एक चश्मा भी देता है, जिसकी वजह से ये एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ सकता है। अब रिजल्ट में पहली बार डिकी के 100 नंबर आ जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी क्लास शॉक्ड हो जाती है। CJ इसके लिए एक मैजिकल शूज भी बनाता है, जिसमें वो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करता है, लॉन्ग जंप लगाता है, और अब डिकी उस शूज से सब कुछ आसानी से कर पाता है जो कि पूरे स्कूल में कोई नहीं कर पाता, और पूरे स्कूल की ऐसी तैसी करके रख देता है। और फिर उसे गुस्सा होकर वो जो खड़ूस टीचर था वो पुलिस को बुला लेता है, और डिकी शूज का इस्तेमाल करके हवा में उड़ जाता है। और यहाँ पर फिर डिकी की आंखें खुलती है और हमें पता चलता है कि वो सपना देख रहा था, पर डिकी को लगता है कि CJ ये सब सच में कर सकता है। अब सबसे पहले वो सुबह स्कूल जाते हुए CJ को डॉग से लड़वाता है, जैसा उसने सपने में किया था, पर यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता है। वो डॉग इन दोनों को बहुत बुरी तरह पीटता है, और वहीं से डिकी फिर अपना चश्मा बनाने की भी जिद करने लग जाता है इससे, पर एलियन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। डिकी ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया आज के एग्जाम के लिए, और वो एग्जाम देता है और इसके अच्छे नंबर नहीं आते, और वो अपना सारा गुस्सा CJ पर निकालता है, और लास्ट में इससे विश करता है कि प्लीज़ मुझे वो शूज़ बनाकर दे दो। CJ ये भी नहीं कर पाता है, और अब बाहर सब इसका मजाक बनाते हैं इसकी यूनिफॉर्म को देख करके, जो कि काफ़ी गंदी हो चुकी है। टीचर भी ये कहते हैं कि ये लड़का इतने बड़े स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। अब गुस्से में डिकी CJ को बोरी में डाल के कूड़ेदान में फेंक देता है, क्योंकि आज जितनी भी बेइज्जती हुई है उसका सारा इल्ज़ाम वो CJ पर लगाता है। पर डिकी को जल्दी ऐसा एहसास हो जाता है कि उसमें CJ की कोई गलती नहीं है। वो CJ को वापस लेने जाता है, जब तक ट्रक कूड़े को लेकर जा चुका होता है।
डिकी रोता हुआ घर आता है तो यहाँ पता चलता है कि सीजे पहले से ही घर में आ चुका है। दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। रात को सीजे इन दोनों बाप और बेटे की गरीबी को देखता है और जिसकी वजह से वो काफी दुखी होता है, इसलिए वो अपने पावर से फैन को ठीक कर देता है। पर इसके बदले में सीजे काफी वीक हो जाता है। अगले दिन डिकी इसे स्कूल ले जाता है जहाँ जॉनी की गैंग इसे देखकर इन पे अटैक कर देती है। जॉनी सीजे को काटने की भी कोशिश करता है पर सीजे बहुत ही फ्लेक्सिबल है। वहीं पर फिर से वो बिग बॉय आ जाता है और डिकी को मारने ही वाला होता है, पर वहीं पर वो बिग गर्ल भी आ जाती है। दोनों की फाइट होती है और बिग गर्ल इसको बहुत मारती है। टीचर सबको पकड़ लेते हैं, पनिश करने वाले होते हैं, पर कोई भी यहाँ पर एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाता है। टीचर के जाने के बाद सीजे बुश में से बाहर निकल कर आता है और इसे देखकर सारे इंप्रेस हो जाते हैं। जॉनी और डिकी की भी दोस्ती हो जाती है और यहाँ पर ये दोनों मॉन्स्टर भी दोस्त बन जाते हैं। यह चाउटी सबको अपने बेटे का रिजल्ट दिखा रहा है, उसमें 100 मिले हैं, पर बॉस कहता है कि तुम्हारे बेटे को 0 मिले हैं, उसने 100 बनाकर तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है और वो एक चीटर है। और यहाँ पर शाउटी को आ जाता है गुस्सा और वो इसके बॉस को मारने की कोशिश करते हैं, पर बॉस उल्टा इसी को मारता है और यहाँ पर नौकरी से भी निकाल देता है और यहाँ से भगा देता है। घर आकर शाउटी गुस्से में डिकी से सीजे को छीन लेते हैं और कहते हैं कि मेहनत करो, अगर अच्छे नंबर लाए तभी मैं सीजे तुम्हें दूंगा। दोपहर को शाउटी इसे स्कूल खाना देने जाते हैं जहाँ पर वही टीचर मिलती है। शाउटी इनको थैंक यू भी बोलते हैं डिकी की इतनी हेल्प करने के लिए। डिकी मेहनत करके 65 लेकर आता है और यहाँ पर शाउटी को नौकरी वापस मिल जाती है काफी माफी मांगने के बाद। इनके बॉस ने इनको एक अब अच्छे पोजीशन पर काम दिया है और यहाँ पर शाउटी जो अपना काम कर रहे होते हैं वो काफी हाइट पर होते हैं, जिसकी वजह से एक गलती होती है और वो वहां से सीधा नीचे आ जाते हैं। डिकी को जब एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो हॉस्पिटल आता है और शाउटी की यहाँ पर डेथ हो चुकी होती है। टीचर डिकी के घर आती है उससे मिलने के लिए, पर डिकी बहुत रोता है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, वो टीचर से भी नहीं मिलना चाहता और ये सोचते हुए सो जाता है कि सब कुछ कल तक ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल में सीजे अपनी पावर का यूज़ करके शाउटी को जिंदा कर देता है और जब डिकी की आंखें खुलती है तो शाउटी इसके घर में ही है। अब ये देखकर वो बहुत खुश होता है, अपने फादर से प्रॉमिस करता है कि वो अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा। और वहीं अब सीजे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और उसके एंटीने की लाइट भी बंद हो जाती है और देखते ही देखते वो एक टॉय में बदल जाता है। शाउटी इसे करंट लगाने की और भी न जाने क्या क्या तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं कि जिंदा हो जाए, पर उससे कोई फायदा नहीं होता। अब डिकी पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लग जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, वो बिग बॉय बिग गर्ल को प्रपोज भी कर देता है और यहाँ पर शाउटी भी अब टीचर के साथ शायद रिलेशनशिप में आ चुके हैं। डिकी सीजे को अब गले में बांध कर पहनता है इस उम्मीद में कि शायद ये एक दिन जिंदा हो जाएगा। तभी इसे फिर से एक बार UFO दिखता है और वो नीचे उतरता है और उसमें से बहुत सारे अलग अलग कलर के सीजे निकलते हैं और ये देखकर डिकी एकदम शॉक्ड हो जाता है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक जरूर कर देना। ये एक चाइनीज मूवी है जो कि 2007 में रिलीज हुई थी और बहुत ही ज़्यादा फनी मूवी है और इस मूवी को शायद बचपन में बहुत सारे लोगों ने देखा है क्योंकि टीवी पर आया करती थी और ये मूवी आपको हिंदी डब्ड में भी मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।